मैम बबीता फोगाट के किसी साथ ना नहीं है मैम, हाँ बबीता फोगाट के साथ नहीं है, ट्वीट किया उन्होंने कि यहाँ पर राजनीति चल रही है, कहने दो क्योंकि वो बीजेपी में है। हाँ, कोई कहते अगर वो बीजेपी में है तो उनको तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है। देखिए सत्ता को चुनौती देना अगर राजनीति है तो उस राजनीति को हमारे संविधान ने हमें हक दिया है उस राजनीति को करने का, तो इसलिए सरकार की राय से सहमत नहीं होना, सरकार न्याय ना दे उसके खिलाफ बोलना, तो कोई सी भी सरकार होगी एबीसीडी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अन्याय के विरोध में तो बोला ही जाएगा। बोल रहे हैं कि जांच चल रही है तो दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हाँ जी, कुछ तो बोल रहे हैं कि जांच ही तो चल नहीं रही है। 194 के तहत एक का बयान हुआ, बाकियों का बयान नहीं हुआ। पॉक्सो के पॉक्सो सुनिए मेरी बात, आपके ऊपर इल्जाम लगा होता जो साथी पत्रकार यहाँ हैं, पॉक्सो एक्ट में आपके ऊपर इल्जाम लगा होता तो 2 मिनट नहीं लगते आपको सलाखों के पीछे करने में और आपके परिवार समेत आपको सलाखों के पीछे करने में। यहाँ पॉक्सो के तहत केस रजिस्टर्ड है और इन्होंने अपने आप केस नहीं रजिस्टर किया, दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, 40 केस उसके ऊपर है, 41वां केस पड़ गया तो उनको लगता है 40 या 41वां झेल लेंगे। वो ब्रजभूषण तो ये कह रहा ना, अगर ये आरोप सही है तो साबित करके दिखाओ, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार जब किसी पे आरोप लगाती है तो उसको कहती है पहले हम सिद्ध करेंगे तुम्हारे पे आरोप है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें जेल देंगे, कहती है क्या? बोलिए किस केस में बोलती है? किसी केस में नहीं कहती। आरोप लगता है, धारा देखी जाती है, उस धारा के हिसाब से लोगों को बंद कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है अगर आप पे आरोप सिद्ध नहीं होगा आपको बाइज्जत बरी करेंगे। तो ब्रिजभूषण को क्या परेशानी है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है? वो अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो बाइज्जत बरी होंगे, तो जैसे औरों के साथ हो रहा है। हाँ जी, ब्रिजभूषण अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, करते रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। देखिए तादाद से शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, आपने क्या प्रश्न उठाया उससे शक्ति प्रदर्शन होता है। एक गांधी लंगोटी पहन करके घूमता था ना, तो उसके साथ बाद में जनता जुड़ी थी, इसलिए आप मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर मुद्दा जो उठाया गया है वो मुद्दा इस देश की आधी आबादी की इज्जत का प्रश्न बन गया है, 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र कुछ लोग हुए हैं यहाँ पर, तो वही तो मैं बात कर रही हूँ। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? मात्र ये नहीं है, मैंने बोला हिंदुस्तान की AITUC की सारी यूनियनें, हमारी 1,43,00,000 मेंबरशिप है, हमारी सारी यूनियनें साथ खड़ी हैं। उसके अलावा 9 और यूनियंस मेरे साथ आई थी, इंटक आई थी, HMS आई थी, UTUCC आई थी, UTUC आई थी, ICCTU आई थी, IUTUC आई थी, 10 यूनियन सेवा समेत मेरे साथ आई थी। उन यूनियनों की जो फॉलोइंग है वो भी इस आंदोलन में साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा 13 महीने बैठा, आज वो संयुक्त किसान मोर्चा आज की डेट में महीम में खप पंचायत हो रही है, तो आज की डेट में वो भी खड़े हैं। तो आप यहाँ की गिनती को नहीं देखे, इनके प्रश्न के ऊपर, इनके धरने के ऊपर हिंदुस्तान का आवाम कहाँ कहाँ और संगठनों का के पीछे चलने वाला आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है एक्टिव बोलते रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये सज्जन है, अभी कर्नाटका की इलेक्शन में क्या बोल दिया होम मिनिस्टर ने कि अगर फला पार्टी को जिताओगे तो यहाँ दंगे होंगे, एक होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है। तो अगर आपको पता है कि दंगे होंगे तो दंगे कौन कराएगा ये भी आपको पता है, अगर ये पता है तो होम मिनिस्टर होते हुए आप क्यों नहीं फिर अरेस्ट करते उन लोगों को जो दंगे कराएंगे? तो ये किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं कुर्सी पे बने रखने के लिए, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा अब देश का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, ये चंद दिन बैठे हुए बच्चों का मुद्दा नहीं है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे,
प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये तो ये हम कैसे कह सकते, ये तो मुर्मू डिसाइड करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे उनको स्टेटमेंट देना कि नहीं। मैं क्यों बोलूं उस पे, प्रेसिडेंट को डिसाइड। मैं ये इतना जानती हूँ, आज आज इस मुद्दे के ऊपर, आज इस मुद्दे के ऊपर जो नहीं बोलेगा, जो साथ नहीं खड़ा होगा, वो एक्सपोज होगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप कह रहे ना इतने थोड़े से लोग, ये हिस्ट्री मेकिंग मूवमेंट है, आपको क्या लगता है ये इतिहास बनाने वाली आंदोलन है?